दुख यार, ये तू तू कैसे हुए? तेरे तेरे आज पांच तत्वों का वो शरीर है ना, वो नाशवान होने वाला है। मीन्स तू आत्मा है, और आत्मा का ज्ञान देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो अपने मामा को भी घर जाके वो नॉलेज देती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया सबको। वो शायद हृदय दादी हृदय पुष्पा जी थी ना, उन्हीं के बारे में ही आप डिस्कस कर रहे हैं, जिनका छोटी आयु में इनकी मैरिज हो गई थी। हाँ हाँ वही। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मुझे जो मैंने बुक पढ़ी थी ना, मुझे सबसे अच्छा टॉपिक शुरू शुरू के दिनों में वो जो उनका मुखी मुखी की डॉटर इन लॉ थी, जो उनकी बहू थी, उनके मतलब बेटे का देहांत हो गया था, लेकिन वो कि जायदाद में हिस्सा चाहिए था उनको और वो अलग रहती थी। फिर बाबा के ज्ञान में आने के बाद फिर मुखी ने बाबा से भी अच्छी उनकी जान पहचान थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि आप उसको बोलो कि घर में आके रहे और जायदाद वगैरह नहीं का बंटवारा नहीं होगा। तो बाबा ने एकदम मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं किसी की फैमिली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। मतलब बाबा का ज्ञान इसलिए नहीं है कि वो जायदादें हैं और ये सब में, उनका ज्ञान पवित्र बनाने के लिए वो आए हैं और वो वही काम करना है उनको। तो ये बहुत अच्छा लगा कि घर घर में इंटरफेयर नहीं किया बाबा ने, बस आओ और एक पत्र, निश्चय पत्र लेके आओ। और निश्चय पत्र बाबा ने अपनी फैमिली से भी लिखवाया, यशोदा माता जी से और अपनी बहू से, और खुद भी निश्चय पत्र लिख के दिया, और फिर समर्पण का पत्र भी लिख के दिया। जो जो लाया उसी को ही यज्ञ में एंटर होने दिया, अदरवाइज नहीं। जिसका बाद में राज मालूम हुआ कि कितना वो कारगर साबित हुई वो चीज। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। इसी बुक में, इसी बाबा की हिस्ट्री में एक इंसिडेंट ने मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला कि एक बार जब वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो बाबा की जो धारणा पवित्रता के ऊपर थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो वो एक दिन बाबा के ऊपर ऐसे ही अटैक करने के लिए आ रहे, तो बाबा अपने छत पर घूम रहे थे। तो जैसे ही वो आया तो बाबा से उनको साक्षात्कार हुआ, सिर्फ उनको बाबा के मस्तक से मणि दिखाई दी। तो इस चीज का कि हमारी मुझे भी अपनी लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा फील हुआ कि क्या हम भी ऐसी अपनी स्थिति बना सकते हैं कि चाहे दूसरी कोई भी अगर आत्मा ऐसे भाव से हमारे पास आती है और वो परिवर्तन होकर जाती है, और उनको फिर बाबा से गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ और वो बाबा के जो है चरणों में गिर पड़ा था, और फिर जो है वो ज्ञान में शायद बाद में चला। तो ये चीज का इंसिडेंट जो है मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज का। ओम शांति। ओम शांति। हमें जो हाँ बाबा की जीवनी में जो पॉइंट बहुत बढ़िया लगा था, थोड़ा सा माइक जीवन के। बड़ी शुरू हुई थी और खूब सारी माताएं आती थी बाबा के पास, कुछ बंदेली माताएं थी, और इन सबको बाबा साक्षात्कार कराते थे और वो ज्ञान से ऐसे भरपूर होके जाती थी, बिल्कुल प्रभावित होकर और एकदम दृढ़ निश्चय से समर्पित हो जाती। यहाँ तक कि जब बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर लेके चले गए किसी समय के लिए चिंतन करने के लिए, वो पीछे से ओम मंडली और ज्ञान की सारी जो चिंतन थी वो जारी रखती थी। बाबा उनको चिट्ठियां लिखते थे और उनको प्रोत्साहन देते थे। ये बहुत अच्छी बात लगी हमें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो अपना दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, अपना प्रभु के प्रति जो निश्चय था, वो जैसे पिकेटिंग के सीन आए, या तो बच्चों को खाना खिलाने के टाइम पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, फिर भी उनके मन में कोई संकल्प नहीं चला, तो ये उनका गुण जो था वो बहुत टच हुआ हमें कि कितना दृढ़ निश्चय है प्रभु में कि कुछ भी हो जाए, बाबा का यज्ञ है, बाबा संभालेगा, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओम शांति।
राइट हम चलते हैं। हाँ जी, अब वही जो हम बोलने जा रहे, तो माता जी बताए बहन जी कि ये मुझे भी यही बाबा का जीवन कहानी में ज्यादा वंडर लगा कि बाबा के इतने सारे पैकेटिंग होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े पेपर होने के बावजूद भी बाबा भी एकदम अकेला डोल रहे, तो ये बहुत वंडर लगा और इससे अपने अंदर भी पावर मिला। बाकी तो बाबा के जीवन कहानी में जितनी सारी माँ वाक्य है, हर एक माँ वाक्य हम लोग को प्रेरणा देने लायक ही है। जैसे कि बाबा के जो बाबा के बच्चे बन गए थे, उनको कितने लोग झाड़ फूक उजार क्या क्या नहीं कराया, बाबा को पर क्या क्या नए इंजाम लगा रहे, फिर भी बाबा उसको कोई भी इंटरफेयर नहीं किए, ज्यादा से संकल्प नहीं चलाए, जहां तक ले इतना तक ले बोले कि तुम हमारा सब कुछ अच्छा है लेकिन ये जो पवित्रता का जो नियम लगाया इसको तुम खत्म कर दो, छोड़ दो। तो सीधा बोलते थे कि ये तो मैंने, ये तो स्वयं श्री बाबा कह रहा है, चाहे गीता में भी यही कहा है, ऐसे बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। ओम शांति। इसमें बाबा जब जिस महल में रहते थे, वो महल में सारे जो विरोधी विचार वाले थे उन लोगों ने एक बार धावा बोल दिया और सारे अंदर आने की कोशिश करने लगे, और बाहर से उन्होंने इतना अपना विरोधी विचार जो फैलाया था, बाबा ने उसके लिए, बाबा ने बच्चों से कहा कि बच्चों चिंता मत करो, तुम केवल सारे दरवाजे बंद करके बाहर एक जन पहरा दो और कोई भी नहीं आएगा, सब बाबा को, बाबा की याद में रहो। तो इस तरह से बाबा का इतना दृढ़ निश्चय था कि कुछ भी हो जाए हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। तो ये सारे जो विचार थे बाबा के, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हेलो, मैं, हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ जी, बाबा की जो परसों पड़ी थी ना, जिसमें था कि उनकी जो झोपड़ी थी वो खजूर के पत्तों की बनाई हुई थी, और जो जहाँ पे नहाने का स्थान था यहाँ माउंट आबू पे, वो भी जो बोरी होती है जूट की, उसकी करके बनाए। तो सादगी का जीवन भी उन्होंने जो है वो सिंपल लिविंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है, जैसे कि है भी है, खैर जिन्होंने जी है, जैसे गांधी जी का भी था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मगर यहाँ बाबा ने तो बिल्कुल ही, मतलब जबकि वो शुरू के दिनों में कितने श्रीमंत थे, मतलब रिच वर्ल्डली उससे सब आराम थे उनकी जिंदगी में, पर बाद में आके जो उन्होंने, ये बहुत ही ज्यादा एक गहरा दिल को छू लेने वाली बात है कि अपने जिंदगी के सारे आराम, सारी वैभव छोड़ के एक तरीके से कुछ मिल रहा, उनके पास कुछ था, तो वो बताने का तरीका भी एक बड़ा, कि उन्होंने अपनी उस एज में, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, मतलब ही मस्ट बी अराउंड 80s उस टाइम, तो जब वो इसमें रह रहे थे, तो और एक उनका था कि बैल बंडी का भी, जब वो भी मुझे बहुत टच करता है कि बैल बंडी पे वो जो काम करने वाले थे किचन में, उनको बोलते थे सो जाओ, आपका टाइम हो गया, रेस्ट आपने लंच टाइम पे किया, और इवनिंग में बैल बंडी के आने पे जाके खुद उसके ऊपर चढ़ के फिर वो, सो दीज टू ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं कि तन की सेवा, मन की, मतलब खुद की है। तो अभी आज लव एंड लॉ, आज अभी जो आप बोल रहे थे लव एंड लॉ, जो ये एक बाबा बताते हैं, तो जिन्होंने किया होता है तो वो ही फिर ये बोल सकते हैं ना शब्द। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। हाँ भाई जी, बाबा ने इस बुक के थ्रू
सबको यही बताया कि मतलब दादियों और दीदियों को बाबा ने एक प्रिंस प्रिंसेस की तरह भी पाला और बेगरी पार्ट में रहना भी सिखाया, वो हमें इस बुक से ही पूरा पता चलता है। मतलब सारी जानकारी हम इस बुक से ही अचीव करते हैं। इस बुक में इतना जैसा कि नाम है जीवन को पलटा देने वाली कहानी, सचमुच ये बुक जीवन को पलटा देने वाली कहानी है, क्योंकि बाबा ने कैसे कैसे रहना, हर परिस्थिति से क्रॉस होना, माताओं को पैर की जूती से सिर का ताज बनाया, वो भी इस बुक के माध्यम से हमें सब पता चलता है। तो बाबा ने हर तरह से हर हाल में जीना सिखाया उनको, हर काम में, किसी काम में माताओं को पीछे नहीं किया, हर काम माताओं को आना चाहिए, माताओं को आगे किया, इस तरह से ये बुक हमें पूरा ये सब बताती है। ओम शांति। ओम शांति। जो इस बुक में जो पढ़ा उसमें ये था कि एक बार की जैसे बाबा सारे काम अपने खुद करना पसंद करते थे, तो एक बार जैसे बाबा माली का काम कर रहे थे तो एक सज्जन जो मिलने के लिए आए थे बाबा के पास, तो उनको बाबा ने कहा, उन्होंने आके बाबा को कहा कि मुझे बाबा को मिलना है, तो उन्होंने कहा आप अंदर बैठो बाबा आ रहे हैं। तो मीन्स लगा लो बाबा को ये भी नहीं होता था कि कोई बड़ा आएगा मुझसे मिलने के लिए तो भाई मैं माली का काम कर रहा हूँ, तो बाबा हमेशा सिंपल साधारण और हर काम अपना खुद करना पसंद करते थे, और उनके मन में ये भी कभी नहीं आता था कि मैं इसका फाउंडेशन का बड़ा हूँ तो इमेज बनानी होती है या कुछ ऐसा होता, कि वो साधारण तरीके से हर काम खुद करना पसंद करते थे और बहुत साधारण रहते थे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे एक इसमें से घटना जो बाबा के बुक में से मैंने सुना पढ़ा था कि एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ में छोटे छोटे लड़कों को लेके बाबा के घर आते हैं, कुछ जेवर आदि जो भी उन्हें बनवाना था, तो उसमें कुछ हीरों का भी काम होने का था। तो वो जब चले जाते हैं उसके बाद बाबा देखते हैं, बाबा को महसूस होता है कि कुछ हीरे मिसिंग हैं। तो दो छोटे बच्चे आए थे तो बाबा ने फिर उसके लिए उनके घर जाते हैं अगले दिन, और दोनों भाइयों को मतलब बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। बाबा एक बच्चे को बुला के पूछते हैं तुम्हारे भाई ने कहाँ रखा है, तो वो बच्चा बता देता है। तो इस तरह से बाबा ने मतलब उस सिचुएशन को मैनेज किया था। बच्चे से बहुत युक्ति से पूछते हैं, बात बहुत टचिंग लगती है। ओम शांति। और कुछ जैसे हम देख रहे हैं ना कि ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी का एक एक बार पार्ट उसमें है कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में से जो साक्षात्कार का पार्ट भी देखो कि बाबा ने कैसा करवाया। पहले उनको वैराग्य दिलाया, फिर सतयुग का स्थापना कहा, तो ये भी बाबा के कितने अच्छे टैक्ट है कि पहले जैसे नहीं कि श्री कृष्ण का और दिखाया ना भक्ति मार्ग में, तो पहले उनको लगा कि इतने सारे मेरे भाई बहन हैं तो उनको क्या, उनको मारकर मैं गद्दी पर बैठ क्या, तो पहले उनको वैराग्य दिलाया, पहले से गए हुए, फिर उनको ज्ञान सुनाया। तो ये भी बाबा के जीवन में ने देखा कि उनको कैसे प्रकार ब्रह्मा बाबा को भी समय प्रति समय उनको जैसे साक्षात्कार हुए, फिर उनको नहीं कहा सूक्ष्मवत में मेरा संपूर्ण ब्रह्मा और मैं अभी इतना नहीं हूँ, तो उन्होंने कितना तेज पुरुषार्थ किया, और समय प्रति समय उनको जैसे इशारा मिला उन्होंने अपने पुरुषार्थ को भी हर्ष किया है। ऐसा और किसी को कुछ बताना है ब्रह्मा बाबा के जो आपको बहुत अच्छा। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। हमने ये बुक को कई बार जिया है और जब भी हम इस बुक को जीते हैं तो उन वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, जैसे ये नन्हे मुन्ने ठाकुर की तरह पूजे जाते थे, इनको इतना डिसिप्लिन, रमणीकता, कैसे बच्चों को प्यार से पैम्पर करना है, कैसे उनको एक डिसिप्लिन में रखना है, और वो तमाम बातें जब वो निराकार साक्षात्कार होता था, सबको कृष्णा का दीदार होता था, कैसे वो प्योरिटी की जो पावर मिलती थी सबको, जैसे सब लोग वो नशे में, गंगे दादी बताती है ना कि हम रुक नहीं पाए,
हम दूसरे और कपड़े पहन के भाग के चले गए, तो कैसे कैसे नशे में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम इस बुक को पाठन करते हैं हम उन वाइब्रेशंस को फिर से जीते हैं और हमारी आत्मा को वो स्फूर्ति और वो हिम्मत और उल्लास, आत्मा में वो संस्कार जागृत होने लगते हैं। तो जब जब हम ये हर साल पढ़ते हैं, सब लोग इकट्ठे पढ़ रहे हैं और अपने आप पढ़कर शेयर करते हैं, एक दूसरे को बल मिलता है। और हम हमेशा से ऐसे लगता है कि जब भी इस बुक को पढ़ते हैं तो वो इमोशंस, जैसे वो गीत गा गा के अपने बताती हैं अपनी गोपिकाएं कि हमारी उड़ान ऐसी थी कि क्या भोगों में मिलेगा, हम तो शिव निराकार के साथ उड़ गए, जीने लगे, तो हमें भी जैसे पंख लग जाते हैं उमंग उत्साह के। तो इस किताब का पढ़ना मीन्स हम भी अपने जीवन को पलटाने वाले संस्कार इमर्ज करते हैं। तो आत्मा डेफिनेटली एक सत्वप्रधान ऊर्जा में जाती है और वो बहुत ही सुकून देने वाले पल होते हैं जब हम इसको अकेले खुद डीप इसका गहन चिंतन करते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। जब भी बाबा की प्रवेशता ब्रह्मावा में हुई तब लोगों ने बहुत ग्लानी की, फिर भी बाबा ने मतलब उनको कुछ रिएक्ट नहीं किया है। और ऐसे ऐसे कुछ लेख लिखे गए जो न्यूज़पेपर में भी डाले गए, फिर भी बाबा ने वो स्वीकार किया सब कुछ और बाबा ने कभी किसी को रिएक्ट नहीं किया। जैसे भी मधुबन में आने के बाद भी कोई सन्यासी था शायद, वो भी बाबा को बहुत बुरा भला बोलता था, फिर भी बाबा उनको कहते थे कि ये तो हमारा मित्र है। तो इस प्रकार से बाबा सभी जो भी शक्तियाँ है उसमें बाबा ने सफल किया है। और किसी बहन जी ने पूछा था कि हमारे पास बुक नहीं है, तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में पोस्ट किया गया है, मतलब 4-5 दिन पहले गया थे। ओम शांति। थैंक यू। मैं कौन से भी ग्रुप में नहीं हूँ भाई। ओम शांति। बोलिए। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वेट वेट। कुछ किसी को और कुछ बताना है? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ। जब भी हम ब्रह्मा बाबा के बारे में बोलते हैं तो वो हमें एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है उनका कि वो बेफिक्र बादशाह थे। अभी किसी कौन से भी समस्या आने दो, कोई भी विघ्न आने दो, उसको वो खिलौना समझकर, मींस ऐसे सदा हल्का समझकर बोल लेते थे। तो एक एग्जांपल उस बुक में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो जब मैंने मुरली पढ़ी थी ना तो उसमें बताया गया था कि अभी 300-350 उनके पास सेवा आधारित है, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन 1 बजे का टाइम भोजन का था, लेकिन अनाज वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो इतने बेफिक्र थे कि परमात्मा है मेरे साथ, वो सब संभाल लेगा। तो 11 बजे तक कुछ नहीं था, 1 बजे तक सबको खाना मिल गया, तो वो इतना उन पे भरोसा था परमात्मा पे उनको। ओम शांति। ओम शांति।
एक बहुत पावरफुल इंसिडेंट है बाबा की जीवनी में, जब बहुत सारे हाई सोसाइटी लोग बाबा के विरुद्ध हो गए थे और एक ने तो कोर्ट केस भी कर दिया था, जिसमें हमारी मम्मा जाकर पूरा एज अ विटनेस बॉक्स में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया ज्ञान के बारे में। किसको वो डायलॉग याद है जो उन्होंने जज के सामने क्या क्या बोला? वो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्सेशन है और दोबारा पढ़ने लायक है। हाँ, अभी शायद उस पार्ट तो पहुंचे नहीं है बुक में, मगर किसी को याद है वो? ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही भाई? आ रही है जी। इसमें जज ने, सामने वाली पार्टी ने जो इल्जाम लगाया था विरोधी पार्टी ने, कि बच्चे बाबा की गोद में बैठ जाते हैं, लड़कियां बड़ी बड़ी ये बाबा की गोद में बैठ जाती हैं, तो मम्मा ने कहा था कि वो हमारा पिता है और बेटी अगर पिता की गोद में बैठ जाए तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें कौन सी गलत बात है? ओम शांति। पूरी साक्षात ज्ञान की समरी खुल गई थी जज के सामने। आत्मिक जो ज्ञान है हमारा। ओम शांति। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो संडे आएगा सैटरडे, उसमें खास एक मधुबन से भाई एक आने वाले हैं इस ग्रुप में, ज्ञान सरोवर के संदीप भाई से। तो आज आने वाले थे लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ इश्यू है, तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा के उनको बहुत कुछ उन्होंने उनके बारे में लिखा है, पढ़ा है, तो वो हमको उसके बारे में शेयर करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक आपके आपको पता होगा कि आने वाले मास में क्या क्या पुरुषार्थ करना है, थोड़ा सा इसका भी प्लानिंग करना सबसे पहले, ठीक है ना? तो हम 10 मिनट हम योगाभ्यास करेंगे, या और किसको बोलना है कुछ, क्योंकि आज बफर डे है, किसको कुछ बताना है, कुछ सुझाव देना है तो दे सकते हैं। भाई जी, वो भाई कब आने वाले हैं हमारे ग्रुप में? नेक्स्ट सैटरडे या संडे, फिक्स है तो संडे ही रखेंगे। और किसी कुछ बोलना है? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है भाई जी? पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है भाई जी थोड़ा। आप बोले कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ऐसा है कि बाबा के जो इंसिडेंट्स है, जैसे बाबा ने बेगरी पार्ट में कितनी निर्भयता से उसको फेस किया, तो ऐसे चैलेंजेस हमारे ज्ञान के बाद कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में भी काफी ऐसे चैलेंजेस आए थे। उन दिनों में बाबा की ये जो जीवनी थी, जीवन को पलटाने वाली, तो वो पढ़ रही थी, तो उन चीजों का मेरे ऊपर इतना इम्प्रेशन, इतना अच्छा पड़ा कि मुझे कोई मुश्किल नहीं उन चीजों को फेस करते हुए। नहीं तो क्या होता है कि इतना घबरा जाते हैं या कोई उस स्थान से, उस जगह से जो है जा सकते हैं, लोग जाते भी हैं, देखा है कईयों को, लेकिन उन चीजों ने, हमने उन चीजों को इतना ब्रेवली उसको फेस किया ना, तो वाकई इन जो भी, जैसे बाबा की जो भी इंसिडेंट्स हैं, अगर इनको हम अपने जीवन में यूज करते हैं तो बहुत अच्छे उसके प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं हमें। तो
ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, बाकी तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन अभी अपने मैंने शॉर्ट में यही बताया है कि हमें इन चीजों को जीना है। जैसे अंशु दीदी ने बोला ना कि हमें एक एक बात जो भी हम पढ़ते हैं केवल सुनने तक नहीं, लेकिन उनको हमने अपने जीवन में जीना चाहिए, तभी हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे आपने बोला ना कि बेगरी पार्ट का, वैसे तो बाबा की जीवन कहानी का जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना कि ब्रह्मा बाबा के पहला कदम कौन सा है, अव्यक्त मूल्य आपने सुनी होगी, कौन सा है पहला कदम? हेलो, निश्चय शायद वो 87 की मुरली हो गया, 88 की, ब्रह्मा बाबा का पहला कदम, ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम, ब्रह्मा बाबा का, ये शायद 18 जनवरी के मुरली के जो 18 में बाबा के जो कदम आते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के 18 कदम वगैरह, कभी किसी ने पढ़े है क्या? हाँ जी, पिछले साल हमने यही पढ़े थे भाई जी। तो ब्रह्मा बाबा का पहला कदम है संपूर्ण समर्पण, 88 की मुरली है अव्यक्त मुरली, और ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम है सहनशीलता। तो बाद में भी है ब्रह्मा बाबा के और दो कदम भी, ब्रह्मा एक व्रता एक नामी, ऐसे बहुत सारे कदम आपको बनने के मिलेंगे। एक कदम माना ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने जीवन में एक एक कदम उठाए। तो एक बात इसलिए हमने बताई क्योंकि इसको बहुत अच्छी रीति से हमें देखना है कि ये कोई साधारण बात नहीं थी कि समर्पण करना ब्रह्मा बाबा ना। देखो ना कि एक आप थोड़ा सा अगर जीवन में देखेंगे, हम भी अगर उस ब्रह्मा बाबा के जगह पर होते और उस टाइम पे के जहाँ पर कोई आगे सब कुछ अंधकार है, कुछ नहीं, रास्ता पता नहीं कि किस रास्ते से जाना है, कुछ नहीं, लेकिन अपने पूरे तन मन और सबसे इम्पोर्टेंट धन, एक रुपया भी उन्होंने अपने प्रति नहीं लगा, तो ये कॉमन चीज नहीं थी वैसे देखा जाए तो। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि ये जो लक्ष्मी नारायण है, श्री कृष्ण पद है, ये ब्रह्मा बाबा के आगे कुछ भी नहीं है, ये तो केवल हमें दिखाई पड़ता है दूर से कि हाँ ये ब्रह्मा बाबा ऐसे बनने वाले, लेकिन उनके जो पुरुषार्थ के अनुसार बोलो या उन्होंने त्याग के बारे में बोलो, तो इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी वाले वो थे। तो कहने का भाव यही था कि जिस रास्ते, क्योंकि जो पिता है हमारे अलौकिक पिता है, या आदिदेव कहो, ब्रह्मा कहो, एडम कहो, तो उनके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे हमें लौकिक पिता को अगर बारे में बोलेंगे कि लौकिक पिता के आपको क्या 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 पता है, तो हमें हर स्वभाव, हर संस्कार, हर उनके गुण, हर विशेषताओं का पता होता है लौकिक में। ऐसे अलौकिक पिता के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस बुक में भी काफी सारे दिए हैं, काफी सारे आप इस मंथ में क्लासेस भी सुनना, क्योंकि बड़ों के क्लासेस आते हैं तो आप उसका आते हैं कि ब्रह्मा बाबा के बारे में जो दादी आदि जी उनके पुराने क्लासेस भी है, तो एक एक क्लास इस जनवरी मास में आप सुनना, ताकि क्या होता है कि ये फिर से हमें रिविजन होता है, उन अनुभवों को हमें सीखते भी जाते हैं ना। तो ऐसे क्लासेस सुनना, और खास ब्रह्मा बाबा के प्रति, बाबा बोलते हैं ना कि अलौकिक मास में बाबा तो अभी फरिश्ता रूप में मदद करने के लिए अभी भी हमारे साथ है, लेकिन इस सूक्ष्म वतन में या बाबा बोलते हैं ना खड़े हैं, तो हमें इस वक्त ऐसा अनुभव करना कि बाबा मेरे लिए खड़ा है,
चलेगा ना, तो ऐसे क्लासेस सुनना, कुछ पढ़ना और थोड़ा बहुत बाबा बोलते हैं ना कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा लिखना भी अगर समय हो सके, नहीं तो चिंतन तो अवश्य करना ही। तो जनवरी मास में एक ये प्रोजेक्ट के रूप में हम करते हैं कि आप पर्सनल अपने लेवल पर खास एक क्लास सुनना। बहुत सारे वैरायटी क्लासेस अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ लिंक कोई तो भेज देना अपने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, ताकि हम उसके बारे में जिनको पता नहीं हो सुन सके। ठीक है, और कुछ बोलने का है किसी को? आज बफर डे इसलिए हम थोड़ा सा किसी को कुछ भी राय हो तो बता सकते हैं कि और कुछ आप नवीनता करने वाले हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी, एक ही बुक भेजिए, दूसरी वाली भी भेज देंगे क्या? हेलो, जो एक ही भाग है ना उसमें दोनों भाग भेज देंगे क्या? नहीं, दोनों भाग भेजे है शायद ग्रुप में, आप देखने लगे तो मैं अभी होने के बाद भेज देता हूँ। अच्छा भाई जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति भाई। हाँ जी, मैंने तो दो शब्द लिखे सतयुग और संगम युग के बारे में, तो सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सतयुग में अमृत वेले के टाइम हम लोग उठेंगे, लेकिन प्रकृति वाद्य जैसे आवाज में वापस सुबह होगी। लेकिन संगम युग में बाबा मधुबन में ने क्या गाने सुनाते, ऐसा लगता है ना, अनुभव होता है कि बाबा हमको सुनाते। तो बाबा क्या कहते, जागो मेरे लाडलो जागो, अमृत वेला शुद्ध पवन है, ऐसे कहने वाले बाबा वहां पे नहीं हो गए, मतलब सतयुग में नहीं हो। दूसरा, सतयुग में 56 प्रकार के भोजन हो गए, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा भोजन जैसा वहां पे नहीं होगा। सतयुग में सोने के विमान हो गए, लेकिन संगम युग जैसे शांति धाम सुषमा वतन और चारों धाम की यात्रा करने वाले नहीं, हाँ चारों धाम की ड्रिल कराने वाले शिव बाबा नहीं हो गए। सतयुग में दूध और घी की नदियां बहेगी, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान गंगा जो बाबा सुनाते और वो बाबा नहीं होगे। सतयुग में शरीर छोड़ने के टाइम साक्षात्कार होता है, लेकिन ऐसी आत्मिक स्थिति बनाने वाले शिव बाबा नहीं होगे। सतयुग में सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारे सब बोझ मुझे दे दो और तुम निश्चिंत और निमित्त बनकर रहो, ऐसे कहने वाले शिव बाबा नहीं होगे। ऐसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और आदि रतन के लिए दो शब्द, मतलब पृथ्वी का बोलते हैं ना समुद्र नहीं सागर की शाही बना और पृथ्वी का कागज करो तो भी लिखने के लिए कम होगा। अच्छा, ओम शांति। ये बहुत ही अच्छा, थोड़ा बोलते हैं ना कि बाबा के बारे में जो चिंतन है तो बहुत अच्छा है। और जो डिफरेंस पता है ना कि जो कहा मिलेगा सतयुग में बाबा, ये प्यार भले सतयुग में हीरे महल में रहेंगे, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये बहुत क्लियर हमें रखना है कि अभी बाबा के प्यार ये जो सब कुछ मिल रहा है ये बाद में तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इस प्रकार हमें थोड़ा सा इसके भाई जी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए ना। नहीं आवाज नहीं आ रहा था आपका, बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आ रहा है ना, ठीक है। तो इस प्रकार हमें थोड़ा सा जो सतयुग का वर्णन है ना, जो बाबा बोलते हैं ना कहाँ मिलेगा इतना संगम, सॉरी कहाँ मिलेगा इतना सतयुग में तेरा प्यार, तो सतयुग का प्यार तो हम नहीं मिलेगा ना। इस प्रकार बाबा के बहुत अच्छे अच्छे मना डिफरेंस को भी देखो, ये भी एक नवीनता है, ऐसे हमें करना है कि सतयुग में क्या होगा संगम पर क्या है। तो इस प्रकार हमें सतयुग को भी याद करना है और संगम के गुणों को भी हमें याद करना है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा योगाभ्यास
करते हैं। आप सबको पता है कि आज क्रिसमस है और बाबा भी कई बार क्रिसमस के दिन में बहुत अच्छे अच्छे बाबा का देखा है ना, कि दादी दीदी भी मधुबन का अपने शायद लाइव भी कुछ प्रोग्राम चलते हैं, तो हम इसी के ऊपर थोड़ा सा योगाभ्यास करेंगे। तो कोई योगाभ्यास कराएंगे इसके ऊपर? जी भाई जी, हम कराते हैं। ठीक अंशुभा, हमको एक्चुअली श्वेता दीदी ने से बात हुई थी, श्वेता दीदी ने बोला था कि आज आपको योग कराना है, लेकिन श्वेता दीदी खुद नहीं आई, हम इसलिए हैरान है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आप बोलना था कि क्या है कि देखो कोई भी होगा ना, देखो इस ग्रुप में हम सब एक दूसरे के जी, कोई जी। बड़ा छोटा नहीं है, तो बोलने का अगर कुछ हमें योगाभ्यास कराना है तो आपको वेल एंड गुड है, कोई भी होगा ना। अगर जी जी, हमें लग रहा था क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा, तो दीदी ने कहा था आप 10 मिनट कराना, तो हमने कहा चलो सेवा दी है तो, लेकिन हमने देखा कोई है ही नहीं, तो चलिए भाई कितना 3 मिनट कराए, 5 मिनट बताइए। नहीं एक 5 मिनट करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महसूस करें ज्ञान सरोवर में हम सब पहुंचकर, दादी जानकी माँ ने वो सेंटा क्लॉस के कपड़े पहनकर और गुलजार दादी माँ ने भी वो अव्यक्त होकर आज हम सब के मध्य ज्ञान सरोवर की उस सजावट में सब सेंटा क्लॉस बनकर और हम सबको चैतन्य में कि तुम सच में वो मास्टर सेंटा क्लॉस तुम्हें बनकर आज के दिन जहां 2021 के कष्ट दुखों के बाद अभी भी कई घर सूने हैं, वो क्रिसमस ट्री उनकी जड़ों में तुम्हें जड़ में तना बनकर जाकर उनको उपहार वो सुख शांति प्रेम सुकून राहत चैन के उपहार देने हैं। अभी भी जो मन अतृप्त हैं, बहुत खिन्न हैं, उनके पास जाकर जो प्यार का मसीहा जिसके साथ तुम पलते, वो तुम्हें मास्टर प्यार का मसीहा बनाकर हर किसी को उस प्रेम की बारिश में भिगाना चाहता है। तुम सब लग जाओ ना, देखो वो सारे अव्यक्त फरिश्ते आदि रतन वो सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सहयोग देते बल देते, बस तुम्हें करते जाना है। महसूस करें सबसे बड़े गिरजाघरों में हर उस ईसाई धर्म की आत्मा भाई के पास हम सब एक खुशी का पैगाम बनकर जाते, खुशी के झंडे बनकर जाते और सबको वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, जैसे हम ये ब्रह्मा कुमारी की तरफ से अपने परमपिता शिव निराकार बाप दादा की तरफ से एक खुशियों का पैगाम देखें, हम सब की ललाट पर वो सितारे चमकते दमकते और हम खुशी के आलम में उस प्यारे से एहसास में हर आत्मा भाई को वो दुआ भरा वरदान देते कि वो भगवान निराकार शिव परमपिता परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, आ चुके हैं, वो आतुर हैं आप सबको अपनी गोद में लेकर अपना बच्चा बनाने के लिए। आ जाओ ना ब्रह्मा कुमारीज में, पढ़ाने वाला ज्ञान देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा वो धरती पर आ चुका है, उसकी पुकार सुन लो ना। महसूस करें कि सूक्ष्म वतन में हम सब मास्टर मुक्ति दाता बन उन सब 33 करोड़ बाबा के सब बन गए, पूरी बगिया पूरी हो गई, एक बहुत बड़ा जैसे बर्फ का समा बर्फ लगी हुई है और वहां पर वो सेंटा बाप दादा गोल्डन हॉर्सेस के उस रथ को हांक रहे हैं और हम सब बैठकर
उस प्यार की रिमझिम में हर ईसाई धर्म की आत्मा को वो दृश्य दिखाते, उनको वो खुशियों में कि चारों तरफ उत्सव सेलिब्रेशंस, रियल सेलिब्रेशंस, जहां अतीन्द्रिय सुख शांति शक्ति आत्मा की सत्व प्रधानता, आत्मा में बल, वो सशक्तिकरण, वो सब महसूस कर पाते और हम सब मिलकर बाबा की परी और परिजादे बनकर हर एक आत्मा को उस खुशी के प्रकंपन में, उस प्यार के बारिश में तृप्त करते, झूमते और सबको सबको भी झूमते, सबको भी देखते, आनंदित होकर गाते मुस्कुराते एक साथ हम मिलकर सब इस प्यारे से हिम को गाएंगे। Dashing through the snow in a one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way, bells on bobtail ring, making spirits bright. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh, dashing through the snow. La 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 la. Hum Baba ki bagiya ke master Santa bankar mehsoos kare hum sab. सच में मास्टर सेंटा के उन सुंदर सत्व प्रधान वाइब्रेशंस में जागरूक हो गए, मुस्कुराते हर आत्मा को उसका वो अधिकार, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ऐश्वर्य जो पाने का अधिकार है जन्म सिद्ध, वो दिलाते। और देखें पृथ्वी पांचों तत्व के साथ धरा, ये पूरा प्लेनेट मुस्कुरा उठा, सब पर बृहस्पति की दशा, सबका मंगल, सबका मंगल, चारों तरफ वो बाबा के प्यार का पैगाम, वो प्यार का मसीहा सब पर मेहरबान, सबको गले लगाता, चूम लेता और हम सब मिलकर बोलते, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। तो जब 21 के और 6 दिन बचे हैं, 6-7 दिन जाने में, हम बड़े दिल से इन 7 दिनों में 7 दिन की मौन भट्टी करेंगे, इस किताब को जो हम पढ़ रहे हैं मिलकर उसकी वाइब्रेशंस में जिएंगे और सशक्त होकर एक साथ हम वो अव्यक्त अपना जो फरिश्ताई हमारा शरीर है उसमें जागरूक रहेंगे। इन शुभ भावनाओं के साथ मैरी क्रिसमस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Merry Christmas, everyone. Merry Christmas to all the Baba's angels. Om Shanti and good night, everyone. With joy and Om Shanti and Merry Christmas to all sisters and brothers. Dekho kon aaya, aaye Saat Baba bhi aaya, Shiva and Baba together. You are the ocean of love.
trumpet of happiness, which brings me fulfillment and contentment. समाप्त करते हैं। गुड नाइट।